एवरीवन, आज हम बात करेंगे दलिया की। सबको पता है कि दलिया तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी नानी दादी के टाइम से ही हम सब खाते हैं, लेकिन अब दलिया मिलेट्स में भी आने लग गया है। डिफरेंट टाइप का दलिया आता है। जो लोग वीगन डाइट पे हैं वो दलिया को नॉर्मल गेहूं के दलिए की जगह वो मिलेट्स के दलिया ले सकते हैं। आज हम अपनी किचन में कुछ ऐसा ही बनाएंगे, तो चलिए फिर मेरे साथ मेरी किचन में। टोफू दलिया खिचड़ी बनाने के लिए मैंने गैस ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी, 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं आप। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, रफली चॉप्ड अनियंस। अनियंस के साथ ही मैं डाल रही हूँ कैरेट, बीन्स, स्वाद अनुसार नमक, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसी के साथ मैं डालू थोड़ा सा टोफू। आपको टोफू पसंद नहीं है तो आप पनीर भी डाल सकते हैं। दाल और दलिया जिसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो लिया था, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी दलिया था, तो मैं इसमें डालूंगी 4 कटोरी पानी। कुकर बंद करके इसमें 2 विसल लगवा लेंगे। तो देखा आपने दलिया की खिचड़ी बनाना कितना ही इजी था। दलिया में कितना ज्यादा कैल्शियम होता है तो सभी जानते हैं, और जो ग्रीन मूंग दाल होती है वो नेचुरली हमारी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देता है और हमारी वेट लॉस जर्नी में तो हमारा साथ देता ही देता है। जब हम किसी किलवा की खिचड़ी खाके या चावल की खिचड़ी खाके बोर हो जाए तो हमें इस खिचड़ी को अपनाना चाहिए, जल्दी से वेट लॉस में भी हमारा साथ देता है। वेट लॉस के लिए अगर हम नहीं भी खाते हैं लेकिन अगर हम इसे फिर भी अपने रूटीन में डाइट में अपनी शामिल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के वेट को भी मेंटेन करके रखता है। तो इसे आप जरूर खाइएगा और जरूर बताइएगा कि आपको इससे फायदा हो रहा है या नहीं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो पूजा सेवरी किचन को फॉलो करें। थैंक यू।